चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा कार्यालय में विधायक परमिंदर धुल और विधायक जाकिर हुसैन ने इनेलो को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। दोनों को चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। धुल और हुसैन को मिलाकर भाजपा में इनेलो के 5 विधायक शामिल हो चुके हैं। इससे पहले बरवाला से विधायक रणवीर गंगवा, हथीन से विधायक शेर सिंह रावत और फरीदाबाद से विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इनेलो को जिससे बहुत बड़ा झटका लगा है, 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में इनेलो 19 सीटें जीतकर हरियाणा विधानसभा में पहुंची थी। अभय चौटाला नेता प्रत्यक्ष बने थे। इनेलो के 15 विधायकों में से 2 की मौत हो चुकी है, 5 विधायक भाजपा में चले गए हैं, जबकि जजपा में अब महज 8 विधायक बचे हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी का पलड़ा अब भारी है। मित्रों, जैसा हमारे आने वाले अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आज जिन 2 विधायकों ने पार्टी ज्वाइन की है, इंडियन नेशनल लोकदल के जुलाना से श्री परमिंदर ढुल जी और नू से श्री जाकिर हुसैन जी, और साथ ही जीजेपी के रोहतक जिला के अध्यक्ष और वहां के पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन श्री धर्मपाल मकड़ोली जी, और इन तीनों नेताओं के साथ जो बाकी सब कार्यकर्ता, आखिर कार्यकर्ता तो जब कोई नेता कहीं किसी पार्टी में ज्वाइन करता तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता भी साथी होते हैं, तो इनके सबके कार्यकर्ता इनके क्षेत्र में भले आज यहां नहीं भी आए हैं तो क्षेत्र में बैठे हुए भी उन्होंने इस समाचार को देख भी रहे होंगे, पहले से उनको जानकारी है भी सही। तो जिन जिन ने आज पार्टी ज्वाइन की है मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बड़ा परिवार भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी इसमें आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी का लगातार एक परिवार बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, न केवल हरियाणा में पूरे देश भर में 1914 के बाद केंद्र में हमारी उस समय सरकार बनी, 14 में ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार बनी, और फिर लगातार एक के बाद एक हम अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चुनाव को जीतते हुए, जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद नगर निगम, गुरुग्राम नगर निगम, उसके बाद सभी पंचायतों के जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समितियां, उनके चुनाव हुए लगभग 80-90%, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। बाद में 5 नगर निगमों के मेयर के डायरेक्ट चुनाव, 5 हमने थम्पिंग मेजोरिटी से जीते, फिर 3 चुनाव वो भी बड़े बड़े दिग्गजों को सब जनता के सहयोग से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से पहली बार हमने जीत में जीत हासिल की, और फिर सबसे आखिर का जो चुनाव और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। न केवल जीती है बल्कि पहली बार इतने बड़े मार्जिन से हरियाणा में सीटें जीती गई, 6 लाख से ऊपर, अगर 4 सीटों का मैं जिक्र करता हूं तो उसमें से 2 सीटें देशभर में हरियाणा से है, नंबर 2 और नंबर 3 की सीट करनाल और फरीदाबाद। ओवरऑल जो पर सीट एवरेज मार्जिन है 3,56,000 हरियाणा का, ये देश भर में किसी भी प्रांत के एवरेज मार्जिन से सर्वाधिक है, अमरीक पर है। तो ये सब केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जो देशव्यापी विश्वव्यापी प्रभाव वो बड़ा है, बड़ा कारण वो है। साथ में हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, पार्टी की कार्य पद्धति और विचारधारा, सबका एक
मिला जुला ऐसा एक प्रभाव हुआ है कि इसमें हमको एक अच्छी सफलता मिली। और ठीक लगभग 3 महीने के बाद हरियाणा में अपने प्रदेश सरकार के लिए भी एक नया मैंडेट ये जनता से मांगने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार हरियाणा में खास करके जैसे नए लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें इस वर्तमान विधानसभा के अभी तक 5 विधायक ज्वाइन कर चुके हैं, एक जींद का भी हमने चुनाव जीत करके अपनी एडिशन 14 के चुनाव के बाद की थी, ये हमारा परिवार बढ़ रहा है। 5 अन्य विधायक जिसमें 4 इंडिपेंडेंट बीएसपी वो भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, 1 इंडिपेंडेंट विधायक पुनाणा से पहले ही वो भी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे इस बढ़ते हुए चुनाव बढ़ते हुए इस प्रभाव के कारण से मैं पूरा विश्वास कर सकता हूं जनता की ओर से कि अच्छी मेजोरिटी के साथ हमने अपना टारगेट रखा है 75+, उसकी ओर हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।